बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आज एक मरतबा फिर आपको बयानुल कुरान प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा है और आज हम चौथे पारे के मज़ामीन का ख़ुलासा इंशाअल्लाह बयान करेंगे और आप सुनेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चौथे पारे का बिल्कुल आगाज़ ऐसी हिदायत से हो रहा है कि जिसे पेश नज़र रखना हम सब के लिए अपनी उमूमी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इरशाद फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून। आला दर्जे की नेकी को तुम नहीं पा सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो खर्च ना करो जो तुम्हें खुद पसंद है। रद्दी चीज़ें अल्लाह की राह में देना और अपने लिए उन्हें पसंद न करना, ये यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ अजर को कम कर देता है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल वो आमाल बेअसर साबित होते हैं। तो इसलिए हमें जब भी मौका मिले खैरात करने का, सदका करने का, तो हम क्वालिटी को बेहतर बनाएं, क्वांटिटी पर ना जाएं। तो ये हुक्म जो है हम सब के लिए है कि अल्लाह की राह में वो खर्च करो जो तुम्हें पसंद है, और यही आला दर्जे की नेकी है। सूरह आले इमरान के इस हिस्से में, चौथे पारे के बिल्कुल आगाज़ में, दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत काबिल तवज्जो है वो हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िआ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इबादत के लिए मखसूस पहला घर जो मक्का मुकर्रमा में तामीर किया गया है वो खाने काबा है। ये हुदल लिन्नास सारी इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया है, चूँकि दुनिया भर से इंसान यहाँ जमा होकर यहाँ से रहनुमाई लेते हैं। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और जो रास्ते की अख़राजात की इस्तिताअत रखता है और उस दौरान घर वालों के लिए अख़राजात की इस्तिताअत रखता है तो उस पर हज फ़र्ज़ है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जिसके पास आने जाने के अख़राजात, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स इस पोजीशन में है कि उसको कोई बीमारी नहीं और रास्ता भी साजगार है और कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है कि जो उसको हज पर जाने से रोक रहा है और उसके पास अखराजात भी मौजूद हैं, और वो इसके बावजूद हज के लिए नहीं जाता, फल यमुत इंशा यहूदियन और नसरानियन, तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। तो गोया हमें हज जिन लोगों पर फ़र्ज़ है उन्हें सबसे पहले इस फ़र्ज़ की अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। हम जो ये कहते हैं कि पहले बच्चियों की शादी कर लें और पहले मकान बना लें और फिर जब बूढ़े होंगे तो फिर हज करने जाएंगे, जिस शख्स पर हज फ़र्ज़ हो चुका है उसे सबसे पहले इस फ़र्ज़ की अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चलने से अपने आप को बचाना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तुतिउ फ़रीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफ़िरीन। अगर तुम अहले किताब यानी यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चलते रहोगे तो नतीजा ये होगा कि वो तुम्हें दीन से फेर कर दोबारा हालत कुफर की तरफ ले जाएंगे, लिहाजा उनकी फॉलोइंग से अपने आप को बचाना है। फिर एक बहुत बड़ा हुक्म पूरी यानी मोमिन बिरादरी को दिया जा रहा है, आहले ईमान को दिया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह हक्क तुकाती, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की नाराज़ी से बचते रहो, जैसा कि हक है उसकी नाराज़ी से बचने का। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हारी मौत हालत इस्लाम पर ही आनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करते रहा करें हम सब कि या अल्लाह हमें ईमान पर ज़िंदगी दे और ईमान पर ही हमारी मौत हो। फिर इरशाद फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। और हब्लुल्लाह से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने फरमाया कि कुरान करीम है। कुरान करीम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से लाओ कि इसको मजबूती से थाम लो, अपने मामलात में, अपनी तिजारत में, अपने कारोबारी ज़िंदगी में कुरान करीम से रहनुमाई हासिल करो। वला तफर्रकू, और टुकड़ियों में और फ़िरक़ों में ना तकसीम हो जाना। देखो ये फ़िरक़ा बंदी और गिरोह बंदी ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। वज़्कुरू निअमतल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, ज़रा याद तो करो तो तुम्हारे दिलों में दुश्मनियाँ थीं, अल्लाह ताला ने ईमान की बरकत से फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अपने ख़ास इनाम के साथ तुम्हें भाई भाई बना दिया है, भाई भाई बना दिया है। वकुंतुम अला शफा हुफरत मिनन नार, और जहन्नम के किनारे पर लोग मौजूद थे, ईमान नसीब करके अल्लाह ताला ने उनको फ़अनक़ज़कुम मिनहा, जहन्नम से बचा लिया है। ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है। इसके बाद उम्मत के फ़राइज़ का ज़िक्र हो रहा है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम्हारे अंदर एक जमात ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को खैर की दावत दे, भलाई की दावत दे, बुराई से रोकने वाली बने। और वउलाइक हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। एक मरतबा फिर हमें फ़िरक़ा बंदी से मना करते हुए फरमाया ला तकूनु कल्लज़ीना तफ़र्रकू, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने ख़ुद को गिरोह बंदियों में, टुकड़ों में तकसीम कर लिया है। और वख्तलफ़ू मिन बाद मा जाअहुमुल बय्यिनात, वाज़ेह दलाइल और रोशनी आ जाने के बावजूद वो इख्तिलाफ में पड़े हुए हैं। इख्तिलाफ किसी हद तक उसकी गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मुखालफत की कोई गुंजाइश नहीं। ये जो एक दूसरे को काफिर बनाना और एक दूसरे को काफिर कहना और एक दूसरे पर लानतें करना, इससे बहरहाल हमें गुरेज करना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस फ़िरक़ाबंदी ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है, मसाजिद से लोगों को दूर किया है, नई नस्ल को दीन से दूर किया है। हमें फ़िरक़ाबंदी की बजाय आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का माहौल पैदा करने की कोशिश करनी है। इसके बाद फिर अगला जो तीसरा रुकू है उसका तो आगाज़ ही इस बात से हो रहा है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो। और ये टाइटल बेहतरीन उम्मत का तुम्हें क्यों मिला है? उखरजत लिन्नास, तुम्हें पूरी इंसानियत के लिए निकाला गया है। इस्लाम एक वाहिद दीन है जो पूरी इंसानियत के लिए दीन तबलीग है। नस्ल इंसानी तक जिसका पैगाम पहुँचाना इस उम्मत पर फ़र्ज़ है। देखिए ख़त्म नबुव्वत का मतलब ये है कि नबुव्वत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कारे नबुव्वत यानी वो काम जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीमात ने उम्मत के सुपुर्द किया था वो बहरहाल क़यामत तक जारी रहेगा। और उम्मत इस बात की ज़िम्मेदार है कि तामुरून बिलमारूफ़, वो लोगों की रहनुमाई करे, इस तरह से भलाई तक उन भलाई में उनकी रहनुमाई करे। व तनहून अनिल मुनकर, और बुराई से लोगों को रोकने वाली बने। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह की ज़ात आली पर अपने यकीन को पुख्ता करने वाली हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अगले रुकू में हमें ये बात समझाई कि देखो वमा यफ़अलू मिन खैरिन फ़लन युकफ़रूहु, हालत ईमान में जो भी भला काम तुम करोगे उसकी नाकदरी नहीं होगी। ईमान के साथ जो भी नेक काम, वो छोटी सतह का हो या बड़ी सतह का हो, जो भी हम करेंगे अल्लाह ताला हमें यकीन दिला रहे हैं कि हम उसकी नाकदरी नहीं करेंगे। वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन, और अल्लाह ताला खूब जानता है कि अल्लाह ताला की नाराज़ी से बचते हुए काम करने वाले कौन हैं। इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दिखावे की खैरात से एक मरतबा फिर मना किया है और मिसाल दी है कि ये जो लोगों को दिखाने के लिए और नमूद व नुमाइश के लिए खैरात करते हैं और नाक बचाने के लिए खैरात करते हैं, अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं होती। उनकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक खेत है, उस खेत में गल्ला पैदा हुआ है लेकिन अचानक ठंडी शदीद हवा चली है और उसने उस सारी फसल को बिल्कुल मिलिया मेट करके रख दिया है। हाँ जी, फी असाबत हरसा कौमन ज़लमू अनफसहुम फ़अलकत हो, वो सारी की सारी खेती बिल्कुल वीरान होकर रह गई है। इसी तरह जो दिखलावे के काम करते हैं वो भी अपनी नेकी को बिल्कुल वीरान करके रख देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हमें ये खिताब फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तत्तखिजू बितानतम मिन दूनिकुम, अपनों के अलावा जो दूसरे लोग हैं, कुफ़ार हैं, यहूद व नसारा हैं वगैरह, उनको अपना हमराज न बनाओ। अपने जो तुम्हारे दिफाई उमूर हैं या दीगर जो तुम्हारे इज्तिमाई उमूर हैं, उनमें सीक्रेसी और उनमें राजदारी इस तरह से हो कि गैरों को उसमें शरीक न करो, इसलिए कि वो तुम्हारी खुशी पर और तुम्हारी राहत पर, उन्हें तुम्हारी आसानियों पर उन्हें तकलीफ़ होती है। वो तो उंगलियां काटते हैं, अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है तो उनको तकलीफ़ पहुंचती है, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो खुश होते हैं। लिहाजा इससे गुरेज करना है, उनको हमराज बनाने से गुरेज करना है। फिर अल्लाह ताला ने अगले रुकू में ग़ज़वे बदर का ज़िक्र किया है और साथ ही इस बात का ज़िक्र फरमाया है कि देखो ग़ज़वे बदर में अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से मुसलमानों की किस तरह से मदद फरमाई है। फिर अगले इसी रुकू में, यानी रुकू नंबर 4 में, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि लैस लक मिनल अम्र शयउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम, कि देखिए इख्तियारात का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है, यानी मुख्तार कुल तमाम तर इख्तियारात का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है। अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमा रहे हैं कि हम इनको अजाब दें या इनकी तौबा कबूल करें, ये इख्तियार सिर्फ़ हमारे पास है, आप इसके मुख्तार नहीं हैं। लैसा लक मिनल अम्र शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले में आप ज़रा बर इख्तियार नहीं रखते, ये इख्तियारात हमने अपने पास रखे हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, 5वें रुकू का आगाज़ सूद से बचने के हुक्म के साथ हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़ा मुज़आफ़ा, ए ईमान वालो सूद ना खाओ। सूद खाना ये अल्लाह ताला के साथ जंग है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है, इससे अपने आप को बचाना है। इसके बाद जो इसी 5वें रुकू में अल्लाह ताला ने अहले ईमान की और मुत्तकीन की 5 सिफ़ात बयान फरमाई हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रमज़ान तक़वा का मिजाज पैदा करता है, अल्लाह करे हम अपने अंदर ये 5 सिफ़ात पैदा करने वाले बन जाएँ। फरमाया मुत्तकीन कौन हैं, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्रा, मुत्तकीन वो हैं जो खुशहाली में भी और तंगी में भी अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लाखों रुपए ख़र्च करने वाले हों, जो तंग दस्त है वो अगर 10 रुपये ख़र्च कर देता है, और जो मालदार है वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लाख खर्च करता है। बात तो नीयत की है, बात तो नीयत की है। तंगी में और खुशहाली में अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। वलकाज़िमीन अलग़ैज़, और गुस्से को पी जाने वाले हैं, गुस्सा, बिला वजह गुस्सा, और दुनियावी उमूर में गुस्सा, इसको पी जाने वाले हैं। बाज़ दफ़ा गुस्सा पसंदीदा होता है जब अल्लाह ताला की तालीमात और उसकी और अल्लाह ताला के अहकाम टूट रहे हों, वहाँ गुस्से होना वो अच्छी बात है कि बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा, आप उस गुस्से होते, उसको नाराज़ होते हैं। लेकिन अगर कोई बर्तन टूट गया है या कोई आपके मिजाज के ख़िलाफ़ बात हो गई है तो गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। वलमन सबर व गफ़रा इन ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, अल्लाह कुरान करीम में फरमा रहे हैं कि जो शख्स वमन अफ़ा व असलहा, जिसने माफ़ करना सीखा है, अल्लाह की अदा है माफ़ करना, जिसने माफ़ करना सीखा है, अल्लाह फरमाते हैं उसका अजर मेरे ज़िम्मे है। फिर फरमाया वल आफ़ीना अनिन्नास, लोगों को माफ़ करने वाले हैं। यानी 3 खूबियाँ, पहली खूबी ये कि खुशहाली में तंगी में खर्च करने वाले हैं, और दूसरे गुस्से को पी जाने वाले हैं, और तीसरे वलाफ़ीन अनिन्नास लोगों को माफ़ करने वाले हैं। और जब कोई उनसे गलती हो जाती है या अपने आप पर ज़्यादती कर बैठते हैं तो फ़ौरन अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़रत मांगते हैं, और देखिए अल्लाह के सिवा तो कोई गुनाह माफ़ करने वाला नहीं है। और पाँचवीं खूबी यह है कि वलम युसर्रु अला मा फ़अलू, अपने किए पर इसरार नहीं करते, गुनाह पर डटे नहीं रहते, बल्कि अल्लाह ताला से मग़फ़रत तलब करने वाले होते हैं। तो गुनाह पर डट जाना, हुज़ूर ने फरमाया मेरी सारी उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी इल्लल मुजाहिरून, मगर जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करके उस पर इतराते हैं। गुनाह किया उसको फेसबुक पे डाल दिया, गुनाह किया और व्हाट्सएप के ज़रिए उसको दुनिया में फैला रहे। भाई बंदगाने खुदा, गुनाह नापसंदीदा बात है, इस पर इतराना नहीं है और इस पर फ़ख्र नहीं करना है। ये है अहले ईमान की सिफ़ात। इसके बाद अल्लाह ताला ने ग़ज़वा उहद का ज़िक्र फरमाया और ये फरमाया कि ला तहनु वला तहज़नु, देखो ईमान वालो तुम दिल शिकस्ता ना हो जाओ और गमज़दा ना हो, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे ईमान वाले बनोगे तो यकीनन यकीनन तुम्हें ही अल्लाह ताला ग़लबा अता फरमाएंगे। फिर एक बात अगले रुकू में समझाई, रुकू नंबर 6 में, कि देखो वमा कान लिनफ्सिन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी आदमी का इंतकाल तब ही होता है जब अल्लाह ताला की तरफ से उसके इंतकाल का मुअय्यन वक्त आता है, वक्त से पहले ला यस्ताखिरून सआतन वला यस्तक़दिमून, न एक घड़ी आगे होता है न एक घड़ी पीछे होती है। और हालात मुश्किल हों तो ईमान वालों की दुआ का जिक्र किया है कि वो ये कहते हैं रब्बना अग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा, हमें साबित कदमी अता फरमा और हमारी बख्शिश फरमा। अल्लाह से मुश्किल हालात में दुआ करके अल्लाह से मदद मांगते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जिस बीमारी की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना वायरस, इस वायरस की दवा तो है कोई नहीं, इस बीमारी की दवा तो है कोई नहीं। जब दवा नहीं है तो फिर और दूसरी सूरत जो बच जाती है वो दुआ की है। लिहाजा इन हालात में हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह पूरी इंसानियत को इस वबा से निजात अता फरमाए। किताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद, उसका अजर अल्लाह ने बयान फरमाया। और फिर फरमाया कि कायद की क्या सिफ़ात हैं, वो किसी इदारे का कायद है, वो किसी सूबे का कायद है, किसी मुल्क का कायद है, बल्कि घर का जो कायद है उसकी सिफ़ात अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। वो क्या है कि वो फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ए हबीब अल्लाह ताला की आप पर करम नवाजी है। सारी कायनात के कायद और रहनुमा अल्लाह अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की खूबियाँ बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला का आप पर बड़ा करम है कि आप नरम मिजाज हैं। वलो कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, और अगर आप सख्त मिजाज और संग दिल होते तो ये लोग आपसे बिखर जाते, दूर हो जाते, मुंतशिर हो जाते। फ़ाफ़ु अन्हुम, इन्हें माफ़ कीजिए, वस्तग़फ़िर लहुम, इनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए, वशाविरहुम फ़िल अम्र, और अपने मामलात में इनसे मशवरा लीजिए। और जब अज़म कर लें और पुख्ता इरादा कर लें तो फिर अल्लाह पर भरोसा करके पूरे तरह से असबाब जमा करने के बाद अल्लाह पर नतायज छोड़ दें। ये है माफ़ करना, मशवरा में शरीक करना, उनके लिए नरम मिजाजी, ये हर कायद और रहनुमा की वो सिफ़ात है जो अल्लाह बयान फरमा रहे हैं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि देखो अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें छोड़ दे तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा। और फिर ख़यानत से बचने का हुक्म दिया गया है और ये कहा जा रहा है वमन यगलुल, जो ख़यानत करेगा, या तिबमा गल्ला यौमल क़यामा, क़यामत के दिन अपनी ख़यानत को साथ लेकर आएगा। हदीस में आता है कुछ लोग ऐसे आएंगे कि गाय उनके कंधे पर डिकार रही होगी। खियानत की गई, सामान खियानत का उनके कंधों पर होगा। ओहो, तौबा बिल्लाह। मैं यगलुल याति बिमा गल्ला यौमल क़यामा, जो खियानत करेगा अपनी खियानत के साथ हाजिर होगा। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत, फिर हर इंसान को वो दिया जाएगा जो कुछ वो करके लाया है। अच्छे अमाल लाया है तो अच्छे नताइज, बुरे अमाल लाया है तो वह बुरे नताइज। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस रुकू में अल्लाह ताला ने उस एहसान अज़ीम का भी ज़िक्र फरमाया है जो पूरी इंसानियत पर बल्कि पूरी अल्लाह की मखलूक पर सबसे बड़ा एहसान है। और वो एहसान क्या है जिसको अल्लाह ने ख़ुद जताया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया है। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही, जब कि अल्लाह ने इन्हें अपना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फ़रमाया है। अहले ईमान पर यह कायनात में सबसे बड़ा एहसान ये है कि सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें उम्मती बनाया है और आपको हमारी तरफ मबऊस फरमाया है। आपकी ज़िम्मेदारियाँ बयान किए हैं कि आप आयात इनको पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, इनके अंदर का बातिन का तज़किया करते हैं और किताब और हिकमत इनको सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा इनाम है जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाया। अल्लाह हमें इसकी कदर नसीब फरमाए। फिर शुहदा की फजीलत बयान फरमाई है कि किस तरह से शहीद खुशी का इजहार करते हैं, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और उन पर खुशी का इजहार करते हैं कि शहादत के नतीजे में जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने गाज़ियान उहद की एक जुर्रत का इजहार किया कि जब कुफ़ार की तरफ से ये बात मशहूर हुई कि वो लौट कर आ रहे हैं और लोगों ने कहा कि डरो उनसे, वो सब तुम्हारे ख़िलाफ़ इकट्ठे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारा अल्लाह हमें काफ़ी है और वही कारसाज है। और वह मैदान में निकले, लेकिन उनके निकलने पर कुफ़ार यकीनन भाग गए। और काफिरों को मिलने वाली जो मोहलत है उसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है और ये बताया है कि बखीली जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ कितनी नाकाबिले कबूल है और बखीली की मजम्मत बयान फरमाई। फरमाया ला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने अपने फजल में से जो कुछ उनको अता किया है इसमें ये जो बखीली करने वाले हैं वो ये ना समझें कि हुआ खैर लहुम, ये बखीली इनके लिए बेहतर है। पैसे पर सांप बन के बैठ गए हैं, ना अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं ना अपने बच्चों पर खर्च करते हैं। और अपने बच्चों पर तो चलो खर्च करते ही हैं, अल्लाह की मखलूक को बिल्कुल महरूम कर देते हैं। अपने लिए सारी आसाइशें और राहतें जमा कर रहे हैं, लेकिन उस अल्लाह के दिए हुए माल में, अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह उसको अपना फजल कह रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए फजल में औरों को शरीक नहीं करते। बल हुआ शर्रुल लहुम, ये इनके लिए शर है। जो वाजिब उमूर हैं मालियात में जैसे ज़कात है वो अदा नहीं कर रहे, सयुतवक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़यामा, और ज़कात की अदायगी में और वाजिब जो इन पर वाजिबात हैं उनकी अदायगी में जो बुखल कर रहे हैं ये माल तौक बनाकर इनके गले में डाला जाएगा। सयुतवक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़यामा। और फिर मौत की तलखी का जिक्र किया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत की तलखी को चखना है। मोहतरम हज़रात, ये जुमला हम बार बार दोहराते हैं लेकिन इस आयत को पूरा ज़रा सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं हर जान ने मौत की तलखी को चखना है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा, जो कुछ तुम करके लाओगे इसका पूरा पूरा सिला तुम्हें क़यामत के दिन दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार, जो जहन्नम से बच गया, वउदखिलल जन्नत, और जन्नत में उसको दाखिला मिल गया, फ़क़द फ़ाज़, ये है हकीकत में कामयाब। और हमने यकीनन इसी कामयाबी को हासिल करने की कोशिश करनी है। फिर अल्लाह ताला इस रुकू में ये बता रहे हैं कि देखो कुफ़ार की तरफ से तुम्हें मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें आती रहेंगी और अहले किताब और यहूद व नसारा तुम्हें तंग करते रहेंगे, उनकी तरफ और मुशरिकीन तुम्हें बहुत तकलीफ़ें पहुंचाते रहेंगे, लेकिन उन पर तुमने इन तस्बिरू व तत्तकू, सब्र का मुजाहरा करना है और अल्लाह का तकवा इख्तियार करना, अल्लाह पर भरोसा करना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला उनकी उन तकलीफ़ों को उनकी तरफ फेर देंगे। और फिर अल्लाह ताला ने अक्लमंदों की कुछ सिफ़ात बयान फरमाई हैं। वो अल्लज़ीन यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, जो उठते बैठते अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और आसमान व ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है उसमें गौर व फ़िक्र करते हैं। गोया अकेला ज़िक्र भी नहीं और अकेला फ़िक्र भी नहीं। अकेला फ़िक्र अल्लाह के करीब तो करता है, लेकिन वो एक ख़ास दायरे में महदूद हो जाता है। गौर व फ़िक्र भी हो और अल्लाह का ज़िक्र भी हो, ये है अहले अक़ल की निशानी। फिर अल्लाह ताला ने कुछ दुआएं ज़िक्र फरमाई हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इनमें से हर एक दुआ जो है वो हमारे लिए काबिल गौर है। ऐ अल्लाह, तू हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें क़यामत के रब्बना वला तुख़्ज़िना यौमल क़यामा, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन कहीं हमें रुसवा ना होने देना। ये दुआएं हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर कुफ़ार की मादी तरक्की से ख़ुद को मरऊब कर लेने से अल्लाह ताला ने रोका है। ये आर्जी सामान हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर नताइज हैं। फिर अहले ईमान के इनामात का ज़िक्र फरमाया और सूरह आले इमरान के आखिर में खिताब करके फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इसबिरू, साबित कदम रहो, व साबिरू, और पामर्दी का मुजाहरा करो, व राबितू, और दुश्मनों के मुकाबले में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ कमर बस्ता रहो, व तक़ुल्लाह, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। चूँकि हर काम में जब तक अल्लाह का डर और अल्लाह का तक़वा नहीं होगा, सबसे ज़्यादा रुकावट बुराई से बचाने की यही चीज़ है, अल्लाह का तक़वा। लअल्लकुम तुरहमून, ऐसा करने से अल्लाह ताला तुम पर रहम फरमाएंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसके बाद सूरह निसा का आगाज़ हो रहा है। निसा इमरातुन की जमा है, और यानी यूँ खिलाफ क़ियास जमा है, जैसे अंदलीब की जमा अनादिल है। औरतों की हुकूक का इतना एहतमाम है अल्लाह के यहाँ कि अल्लाह ताला ने पूरी सूरत ही निसा औरतों के हवाले से ज़िक्र फरमा दी है। और आगाज़ किससे हो रहा है? इस सूरत में 176 आयात हैं और 24 रुकू हैं, और ये सूरत हिजरत नबवी के बाद मदीना मनव्वरा में उतरी है। आगाज़ इससे हो रहा है कि ए इंसानों, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, इत्तकू रब्बकुम, अल्लाह ताला की नाराज़ी से बचते रहो, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसकी जुन्स में से उसके जोड़े को पैदा किया। और देखो, रहम के रिश्तों का, खूनी रिश्तों का ख्याल रखना, वला रहम, रहम के रिश्तों का ख्याल रखना। इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, अल्लाह ताला तुम पर कड़ा निगरान है। लोगों की निगाहों से तुम छुप सकते हो, लेकिन अल्लाह ताला की कड़ी नज़र से तुम नहीं बच सकते। यतीमों का ख़ास तौर पर ख्याल रखने का हुक्म दिया है। और जिस आदमी के पास किसी यतीम बच्चे या बच्ची का माल आ जाए और उसको निगरान बनाया जाए, उसके लिए तो 8 हिदायत जारी फरमाई है। पहली हिदायत ये है कि आतुल यतामा अमवालहुम, यतीमों का माल उनके सुपुर्द करना है, अपने पास नहीं रखना है। ला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, देखो उनके अच्छे माल को लेकर अपना बुरा माल उनके खाते में डाल देना, अच्छी ज़मीन अपने कब्ज़े में ले लेना और बुरी ज़मीन उनका इंतकाल उनके नाम कर देना, ऐसा नहीं करना है। ला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, अपने मालों में उनका माल मिलाकर इस तरह से ना खाओ कि जल्दी जल्दी इनका माल जो है वो ख़त्म हो जाए। ये बहुत बड़ा गुनाह है जो अल्लाह ताला ने यहाँ उसकी ज़िक्र फरमाई। और दरमियान में ये फरमाया कि देखो, औरतों को उनका महर खुश दिली से दो, हम महर माफ़ करा लेते हैं। वो कहते हैं जी कुड़िया महर माफ़ कर दे, या वैसे एक ये मुआशरती दबाव है, महर माफ़ कराने से गुरेज करना। हाँ, अपनी मर्ज़ी से वो माफ़ कर दें तो वो अलग बात है। फिर फरमाया जब तक यतीम सयाने नहीं हो जाते, तब तक उनका माल उनके सुपुर्द ना करो, और उनको खिलाओ पिलाओ और उनके साथ अच्छे लहजे में बात करो। और देखो, जब वो सयाने हो जाएं तो फिर माल उनके सुपुर्द करना है, उससे पहले उनके सुपुर्द नहीं करना है। और जो लोग यतीमों का माल नाहक तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीमों का माल वो देखें जिस अंदाज में भी खाया जाए, कोई तबर्रुक समझकर खा रहा है तब भी गलत है, और अगर गसब करके खा रहा है तब भी गलत है। इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। नाहक यतीमों का माल खाने वाले अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यतीमों का माल खाने से गुरेज करना है, चाहे वो हम जुल्मन खा रहे हों और चाहे तबर्रुक समझकर खा रहे हों। यतीम का माल है, उससे गुरेज करना है। इसके बाद मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने विरासत की तकसीम का एक निज़ाम दिया है और उसके पहले ये बात समझाई है। विरासत की तकसीम का एक निज़ाम दिया है और निज़ाम देने से पहले ये बताया है कि लिर्रिजाल नसीबों मिम्मा इक्तसबू मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून वलिनिसा नसीबों मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। वालिदैन जो विरासत छोड़कर जाते हैं, जैसे मर्दों का उसमें हक है वैसे ही औरतों का भी उसमें हक है। ये तारीख़ इंसानी में पहला मौका कि जब अल्लाह ताला विरासत में औरतों को, बेटियों को, बहनों को, बीवियों को शरीक कर रहे हैं। ये एजाज़ है इस उम्मत का। अल्लाह ताला ने तरतीब बयान फरमाई, यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के हवाले से अल्लाह ताला तुम्हें ख़ास हिदायत करता है कि विरासत कैसे तकसीम करनी है। बेटे को एक हिस्सा और बेटे को दो हिस्से और बेटी को एक, हर एक बेटी को एक हिस्सा। लेकिन अगर दोनों सिर्फ एक बेटी है, बेटा कोई नहीं है, तो आधा उसको मिलेगा, और अगर दो हैं बेटियां या दो से ज़ायद हैं तो 2/3 उनको मिलेगा। विरासत की एक तरतीब है। मेरे मौजूद नाजरीन, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी बेटियों को विरासत से महरूम करना और बहनों को विरासत से महरूम करना, ये हुदूदुल्लाह को पामाल करना है। ये विरासत की तकसीम का निज़ाम, इसके आखिर में अल्लाह फरमाते हैं तिलका हुदूदुल्लाह, ये हुदूदुल्लाह हैं, इनको तुमने पामाल करने से अपने आप को बचाना है। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाह है, जो अल्लाह ताला की हुदूद को से तजावुज़ करता है और उनको पामाल करता है, वो अपनी जानों पर जुल्म कर रहा है, वो अपने लिए बड़ा नुकसान कर रहा है। हम कहते हैं कि जी जायदाद जो है वो हमारी गैरों में नहीं जानी चाहिए। बंदे खुदा, जब बेटी गैरों में चली गई है तो बेटी को जायदाद दे रहे हो, गैरों को जायदाद नहीं दे रहे। लिहाजा खुदारा जो हक, हदीस में आता है एक शख्स 60 साल तक मर्द या औरत नेक काम करता रहता है, लेकिन आखिर में बिल्कुल वसीयत ऐसी कर देता है कि जिससे उसकी सारी नेकियां, बिल्कुल गलत वसीयत करता है, बेटियों को महरूम करता है, बहनों को महरूम करता है, सारी वसीयत उस पर बिल्कुल पानी फिर जाता है। अल्लाह ताला ने मर्दों का जो विरासत में हक है बीवियों से वो बयान फरमाया, फिर बीवियों का जो विरासत में हक है वो बयान फरमाया, माँ बाप का जो हक है वो बयान फरमाया, और फिर अगर कोई ऐसा बंदा फौत हो जाता है कि जो जिसकी लावलद है, उसकी औलाद कोई नहीं है और माँ बाप भी कोई नहीं हैं और सिर्फ बहन भाई हैं, तो उनकी विरासत का यहाँ एक अबूरी हुक्म दिया, और सूरह निसा के बिल्कुल आखिरी आयत में इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे वो हतमी हुक्म है, वो वहाँ इंशाल्लाह बयान करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। उसके बाद अगले रुकू में मौजूद नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ये बताया कि तौबा का दरवाज़ा जब उस वक़्त तक खुला रहता है जब तक इंसान की सांस नहीं उखड़ती। जब तक सांस नहीं उखड़ती तौबा का दरवाज़ा खुला है। इन्नमत तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फौलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम। जो गुनाह करते ही फिर जल्दी अल्लाह से तौबा करते हैं, अल्लाह उनकी तौबा कबूल करता है। और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब भी तौबा करने वाला अल्लाह की चौखट पर आएगा वो समझ लीजिए उसने जल्दी की है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लेकिन हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन, जब सांस उखड़ जाती है और उस वक़्त वो कहे कि अब मैं तौबा करता हूँ, ऐसी तौबा की कोई हैसियत नहीं। फिर अगले रुकू में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि देखो अपनी बीवियों को उनका महर अदा करो, और अगर तुम और कोई शादी करना चाहते हो और इस बीवी को तलाक देना तुम्हारे यहाँ तय हो गया है, तो इसको जो महर तुमने दिया है या जो तोहफे तुमने दिए हैं, फला ताखुजू मिन्हु शैया, अब वापस ना लो। अताखुजू नहु बहताना व इस्मम मुबीना, ये तो खुला गुनाह है, इससे अपने आप को बचाना है। इसके बाद मौजूद नाज़रीन मैं ख़ास दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस चौथे पारे के आखिरी रुकू पर गौर कीजिए और बार बार अपने बच्चों को पढ़ के सुनाइए कि किन औरतों के साथ ताल्लुक़ हराम है, कौन से रिश्ते हैं कि जिनके साथ हम शादी नहीं कर सकते, कौन से रिश्ते हैं कि जिनके साथ हम ऐसा ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते जो बीवी के साथ कायम होता है। पहला है ला तनकिहू मा नकाहा आबाउकुम, बाप की जो मनकूहा है वो तुम्हारी माँ है या तुम्हारी माँ नहीं है, बाप की जो मनकूहा है उसके साथ तुमने कभी भी निकाह नहीं करना है। उसके बाद फिर 7 रिश्ते बयान फरमाए कि कौन से रिश्ते हैं कि जिनके साथ तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ, तुम्हारी नानियाँ दादियाँ ऊपर तक, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियाँ, बेटी व और बेटियाँ से नीचे नवासियाँ, व अख़वातुकुम, तुम्हारी बहनें, वो हकीकी बहनें हों या माँ शरीक बहनें हों, व अम्मातुकुम, और या बाप शरीक बहनें हों, और तुम्हारी फूफियाँ, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अखे, और भाई की बेटियाँ, व बनातुल उख्ते, और बहन की बेटियाँ भांजियाँ। ये तमाम रिश्ते बिल्कुल हराम हैं, इनके साथ जिनसी ताल्लुक़ नहीं हो सकता। कोई कर रहा है तो वो अल्लाह के हुक्म को पामाल कर रहा है। बच्चों को बताइए खुदारा, आजकल रिश्तों को हुर्मत का लोगों को एहसास नहीं है, जिसकी वजह से नए नए मसाइल सामने आ रहे हैं। वा अख़वातुकुम अम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़ानकुम, और वो माएँ जिन्होंने बचपन में तुम्हें दूध पिलाया, 2 साल की उम्र, बल्कि एक राय के मुताबिक 2.5 साल की उम्र तक इस बच्चे को अगर किसी औरत ने दूध पिलाया है तो वो रज़ाई माँ बन गई है, और रज़ात वो तमाम रिश्तों को हराम कर देती है जो नसब जिन रिश्तों को हराम करता है। जो तो रज़ाई माएँ, उनके साथ निकाह हराम है। व अख़वातुकुम मिन अर्रज़ाअते, और जो रज़ाई बहनें हैं उनके साथ निकाह हराम है। और व उम्महातु निसाइकुम, और सास के साथ निकाह हराम, सास के साथ जिनसी ताल्लुक़ हराम। व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, और तुम्हारी जो बीवियां हैं अगर इनकी पहले से कोई शौहर से बेटी है और सयानी है, बेटी है कोई, तो वो भी तुम्हारी बेटी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखिए रिश्तों की हुर्मत का क्या अंदाज़ अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं। जो तुम्हारी बीवी बनी है कोई, इसकी एक बेटी है या एक से ज़ायद बेटियां हैं पहले खामिन से, अब जब ये तुम्हारे निकाह में आ गई है और तुम्हारे ताल्लुक़ कायम होने के बाद इसका रिश्ता तुम्हारे साथ मजबूत हो गया है, तो वो बेटियां तुम्हारी बेटियां हैं, उनको वही इज़्ज़त देनी है, उनको वही हुर्मत देनी है जो अपनी हकीकी बेटी को देते हो। उनके साथ ताल्लुक़ इस तरह का कायम करना हराम है, हराम है। और फिर फरमाया और वहलाइल अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और जो तुम्हारे हकीकी बेटे हैं उनकी बीवियां यानी बहू, बहू के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करना हराम। बहू निकाह में नहीं आ सकती चाहे बेटा फौत भी क्यों ना हो जाए, सास निकाह में नहीं आ सकती चाहे बीवी फौत ही क्यों ना हो जाए। व अन तजमाऊ बैनल उख्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़, और 2 बहनों को, हकीकी 2 बहनें, उनको बैक वक़्त अपने निकाह में जमा करना, ये हराम है, ये हराम है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आजकल जो हमारे माशरे में इस हवाले से अखबारात में ख़बरें आ रही हैं और इस हवाले से जो मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं कि हम अपनी औलाद को मुहर्रमात से आगाह नहीं कर रहे, मुहर्रमात कुछ अबदी हैं हमेशा के लिए जिनसे निकाह हराम है, और कुछ मुहर्रमात गैर अबदी हैं जिनके साथ आर्जी तौर पर निकाह हराम है। मसलन दो बहनों को बैक वक़्त एक निकाह में जमा करना ये हराम है, लेकिन अगर एक बहन फौत हो जाए तो उसी की फौत होने वाली बीवी की बहन के साथ आप निकाह कर सकते हैं, लेकिन दो बहनें बैक वक़्त निकाह में नहीं आ सकती। लेकिन कुछ मुहर्रमात अबदिया हैं, उन मुहर्रमात अबदिया का लिहाज हमेशा करना है, और ये सारी की सारी जो तालीमात हैं। और फिर इससे आगे वल्मुहसनातु मिनन निसा, जो औरों की बीवियां हैं, औरों की बीवियां हैं यानी शादीशुदा खातून जो किसी की बीवी है, जब तक वो शौहर उसको तलाक नहीं देता या वो फौत नहीं हो जाता और वो इद्दत गुजार लेती है, इद्दत के दौरान भी निकाह नहीं कर सकते, जब तक वो फौत नहीं हो जाता और वो इद्दत नहीं गुजार लेती या वो तलाक दे और उसको उसकी इद्दत गुजर जाए, तब जाकर उसके साथ निकाह या जिनसी ताल्लुक़ हलाल है, यानी निकाह की सूरत में हलाल है। वरना तो गैरों की बीवियों के साथ ताल्लुक़ ये हराम है, हराम है। खुदारा इन बातों को अपने मुआशरे में आम कीजिए। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि सूरह निसा वैसे तो सारी बार बार पढ़नी है हमने, लेकिन ख़ास तौर पर अपने बच्चों को सूरह निसा का ये आखिरी रुकू जो है ये बार बार पढ़ कर सुनाएँ, ताकि उनको कम अज़ कम रिश्तों की हुर्मत का एहसास हो। अल्लाह ताला हम सबको इसका एहसास नसीब फरमाए और हमें अपनी माशरती ज़िंदगी में ये जो रिश्तों की हुर्मत है और लिहाज है, इसको पेश नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकीनन आज जो गुफ्तगू हुई है उसका ताल्लुक़ हमारी माशरती ज़िंदगी से ज़्यादा है। इस पूरे पारे को हम तर्जमे के साथ एक दो मरतबा पढ़ेंगे तो ये बहुत खूबसूरत बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी में आएंगी, और ये हमारी ज़िंदगी में आएंगी तो हमारा मुआशरा इंशाअल्लाह बेहतर मुआशरा होगा, इंसानों वाला मुआशरा, दरिंदों वाला मुआशरा नहीं बल्कि इंसानों वाला मुआशरा। ये दरिंदगी जो हम देख रहे हैं उससे हम तभी बच सकते हैं जब हमें रिश्तों की हुर्मत का एहसास हो। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल 5वें पारे के मज़ामीन के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।